नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि कंट्रोलर के वायर को वायरिंग के वायर के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो सबसे पहले ये तो आप जानते ही होंगे, ये जो है पीला और ब्लू और हरा, ये तीनों वायर जो है ये आपका मोटर के वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये जो आपको रेड और ब्लैक का वायर दिख रहा है, लाल और काला का, ये आपका जो है 48 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ज्वाइन होता है, ये तो सभी जानते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो वायरिंग सब ज्वाइन होते हैं, ये जो आपका 5 वायर वाला जो जैक होता है, ये आपका मोटर का सेंसर का वायर में जाता है। मोटर में जो सेंसर लगा होता है ना, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हम बताए हैं, वो जो सेंसर है उसका वायर इसमें ही जाता है, 5 वायर कलर बाय कलर, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका लाल हरा और काला वाला ये जो वायर है, ये जो वायर है कंट्रोलर का, ये आपका थ्रॉटल में जाता है, जो ई रिक्शा का जो एक्सेलेरेटर होता है ना आगे में, उसमें जाता है, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये आपका इग्निशन का वायर होता है। ये टोटो को जो है, जब चाबी हम लोग ऑन करते हैं टोटो का, तब इसमें ही 48 वोल्ट का करंट जाता है, जिसके कारण हमारा कंट्रोलर ऑन होता है, तब हमारा टोटो चलता है इससे। और ये जो दोस्तों, ये जो वायर है, ये वायर जो है दोस्तों, ये आपका मीटर में जो स्पीड जो दिखता है, इसी से दिखता है। यह इसको खोल देंगे तो मीटर में स्पीड शो नहीं करेगा, इसी कारण आपका मीटर में स्पीड दिखता है। और ये जो दो ब्लू वायर है, ये आपका है सेंट्रल लॉक का, जिसे एंटी थेफ्ट लॉक भी कहते हैं। ये जो आपका जो चाबी वाला जो लॉक है, ये वाला, ये इसमें ही कनेक्ट होता है। ये दोनों वायर जो है 4 पिन जैक या 2 पिन जैक के साथ ज्वाइन होता है, ये ब्लू वाला दोनों। हर कंट्रोलर में ये दो कलर का, या ब्लू होगा या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा, ये दोनों सेम कलर का होता है। इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सेंट्रल लॉक का है, जो चाबी वाला जो होता है, इससे हम गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और अलार्म कर सकते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। ये आपका सेंट्रल लॉक हो गया टोटो का। और ये जो आता है आपका ब्लैक और ग्रीन में जो है वेलो टाइप का है, ये जो वायर है देख लीजिए, ये जो वायर है, ये आपका गाड़ी को जो टोटो बैक करते हैं, जब आप एक्सेलेरेटर में बैक का बटन प्रेस करते हैं तो इसी से बैक होता है, समझे। और इसमें जैसे ही कनेक्शन इसमें दोनों में, इससे जैसे हम लोग इसको दोनों को मतलब शॉर्ट करते हैं, मतलब स्विच में जैसे इसको ऑन करते हैं, ये दोनों कनेक्ट हो जाता है, काला और आपका ये पीला में हरा जो है, और गाड़ी बैक होने लगता है इससे। और ये आपका जो है ये एक्स्ट्रा, इससे कोई काम नहीं। जी दोस्तों, ये आपको जो बताएं, ये कंट्रोलर हमारा सी वाई का है, और ये कंट्रोलर जो है ये आपका है सी वाई गोल्ड है, जिसमें ये इंटेलिजेंट कंट्रोलर, ये नॉर्मल है, ये इंटेलिजेंट है। इसमें क्या फंक्शन है, इसमें जो है मोटर का वायर इसी में ही कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें जो आपको दिख रहा है तीनों नट, ब्लू ग्रीन और येलो का, इसमें तो आप देख चुके हैं कि इसमें मोटर का वायर जो इसमें कनेक्ट करना है, इसमें यही सिस्टम है। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 48 वोल्ट का इसमें कनेक्ट करना है। और इसमें जो एक नया फंक्शन ये है इंटेलिजेंट कंट्रोलर का, अगर इसका एक्सेलेरेटर ख़राब है, एक नंबर थ्रॉटल फॉल्ट, थ्रॉटल मतलब होता है एक्सेलेरेटर, ये अगर ख़राब हो जाएगा एक्सेलेरेटर, तो इसमें ये इंडिकेटर शो कर देगा, ये लाइट जल जाएगा, चाबी जैसे ऑन कीजिएगा इग्निशन इसका, ये जल जाएगा कि आपका एक्सेलेरेटर ख़राब है। और उसके बाद दो नंबर कंट्रोलर फॉल्ट, ये अगर खुद ख़राब हो जाएगा तो इसमें आपका इंडिकेटर यहाँ शो कर देगा कि आपका कंट्रोलर ख़राब है। उसके बाद 3 नंबर में आता है मोटर फॉल्ट, अगर मोटर का सेंसर फॉल्ट होगा या मोटर ख़राब हो जाएगा तो आपका ये इंडिकेटर शो कर देगा कि आपका मोटर ख़राब हो गया। उसके बाद ओवरलोड, अगर ओवरलोड, अगर गाड़ी आपका मोटर ओवरलोड मार रहा है तो ये आपका इंडिकेटर शो करेगा, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या ख़राबी है। आप ये कंट्रोलर का वायरिंग देख चुके हैं, जैसे किसे कनेक्ट करना है वायरिंग के साथ इसका वायर को, और इसके बारे में बताते हैं इंटेलिजेंट कंट्रोलर का। इसमें भी सेम टू सेम लगभग वैसा ही प्रोसेस है, जैसा ये वाला हो जो हो गया आपका, ये एक्सेलेरेटर का हो गया, जिसमें जो आगे आपका जो गाड़ी में लगा हुआ रहता है ये एक्सेलेरेटर, इसी के साथ कनेक्ट होता है, ये इसी से कनेक्ट। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इसका कलर जो है सेम होना चाहिए, हरा पे जैसे हरा है, चुम जरा कीजिए, इसमें हरा पे जैसे हरा है उसी तरह इसमें जैसे यहाँ काला है यहाँ लाल है, ये एक्सेलेरेटर गाड़ी नहीं चलेगा इसी तरह आपका। इसमें भी आपको सेम टू सेम करना होगा, जैसे यहाँ काला तो यहाँ काला होना चाहिए, और यहाँ जैसे काला यहाँ लाल है, तो इसको सेम टू सेम करना होगा। खोल के इसको आप इसको पिन से खोल सकते हैं, खोल के इसको
सेम टू सेम कर सकते हैं, उसके बाद ही गाड़ी आपका चलेगा। उसके बाद आता है आपका सेंसर का, जो कि मोटर में लगता है, जैसे उसमें आप देखे थे इसमें भी वही उसी प्रकार है, 5 वायर का जो जैक था ये आपका मोटर का सेंसर का था। उसके बाद आपको बताए थे कि सेंट्रल लॉक का जब भी आएगा, दोनों वायर जो आता है 4 पिन जैक और 2 पिन जैक का सेम टू सेम, जैसे इसमें इस कंट्रोल में जैसे इसमें ब्लू देख रहे हैं आप, ब्लू बताए थे कि इसमें सेंट्रल लॉक का जैसे ब्लू है, इस तरह इसमें हरा है, किसी में लाल भी रहता है, तो इस तरह ये जो सेंट्रल लॉक का जो जैक होता है वो दोनों जैक एक ही कलर का होता है। ये आपका सेंट्रल लॉक का है जिसमें आपको बताए थे ये वाला, ये जिसका है ये जैक होता है, ये इसमें कनेक्ट होता है। और उसके बाद हो गया आपका ये जो है ये इग्निशन का है, किसी में लाल होता है, किसी में आपका ऑरेंज होता है, किसी में रेड होता है, जिसमें इसमें रेड है, ये हमेशा इस टाइप का होता है इग्निशन का वायर। जैसे हम इग्निशन जैसे गाड़ी में जैसे चाबी ऑन करते हैं ना, इसमें 48 वोल्ट करंट आता है और ये कंट्रोलर ऑन हो जाता है। इसमें लाल है, इसमें आपका बैगनी कलर का है, पर्पल है। उसके बाद ये जो है ये इस कंट्रोलर को रिसेट मारने का है, जो इस ये कंट्रोलर में ये सिस्टम नहीं दिया गया, लेकिन ये इंटेलिजेंट कंट्रोलर में ये सिस्टम दिया गया है कि कंट्रोलर अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, आगे पीछे गलत हो रहा है या उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इससे आप इसको लगा के इसको जैसे एक बार अंदर घुसा के खोल दीजिए, ये आपका रिसेट हो जाएगा, फिर से सही तरह से काम करने लगेगा। ये हो गया सेम टू सेम, ये और ये दोनों कंट्रोलर में ये सेम टू सेम ही है, बैक वाला रिवर्स जो होता है, जिसमें दोनों में जैसे स्विच ऑन करते हैं एक्सेलेरेटर का, उस तरह इसमें दोनों को शॉर्ट करता है, रिवर्स होने लगता है, गाड़ी पीछे जाने लगता है। इस दोनों कंट्रोलर को बैक होने के लिए माइनस चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए 48 वोल्ट का। उसके बाद ये जरूरी नहीं, ये टेम्परेचर मीटर ये जरूरी नहीं है अभी। ये जो वायर है ये स्पीड कंट्रोलर का है, ये जैसे इसमें 3 वायर है, कंट्रोल निकला हुआ है, 3 वायर जो है गुलाबी हो गया आपका, काला और ये। अगर हम काला को गुलाबी साथ टच करते हैं तो मीडियम चलता है, कम चलता है, और इसके साथ टच करेंगे तो गाड़ी आपका फुल पिकअप चलेगा। इसमें पहले से इसमें टच करके रख दिया गया है, देखिए यहाँ से इसे टच कर दिया दोनों में, गाड़ी पूरा फुल पिकअप ही चले। ये जो वायर है ये जो है स्पीड कंट्रोलर का वायर है, जैसे कोई भी टोटो में जो देखते हैं आप लोग कि गियर होता है 1, 2, 3, तो इसमें इसी से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें है काला है और आपका काला है, गुलाबी है और ये वाला वायर है। ये अगर काला को अगर इससे हम टच करेंगे गुलाबी के साथ तो आपका गाड़ी स्लो चलेगा, और किसी के साथ टच नहीं करेंगे तो नॉर्मल चलेगा। अगर काला को इसी साथ टच कर देंगे तो गाड़ी आपका गाड़ी में जितना स्पीड है उतना चलेगा। जैसे इसमें पहले से टच करके रख दिया गया कि अगर गियर वाला कंट्रोलर ना हो तो गाड़ी आपका पूरा जितना उसका क्षमता चलने का उतना ही चले, कम ना चले। अगर किसी में गियर वाला सिस्टम है तो ये हटा के उसका वायरिंग में रहता है इसका सिस्टम गियर वाला का, इसमें लगा दीजिए, और एक्सेलेरेटर में भी रहता है, जैसे आपको दिखाते हैं। ये जो है ये आपको गियर वाला स्वेटर है, ये बिना गियर वाला है, इसमें जो गियर वाला है इसी का जो है यही गियर का यूज होता है, 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है। ये दोनों तो हो गया आपका, ये हो गया आपका स्वेटर का, और ये हो गया आपका बैक रिवर्स का, और ये हो गया आपका गियर का। इसी को इसमें कनेक्ट किया जाता है वायरिंग में, जिस कारण आपका गाड़ी स्लो और कम और मीडियम चलता है। लास्ट में जो ये वायर जो है इसमें लिखा हुआ है मीटर का, ये आपका स्पीड का है, जो कि आप वायर में जो मीटर में जो स्पीड दिखता है वैसी वायर के कारण दिखता है, इसको खोल देंगे स्पीड नहीं दिखेगा। और ये है, ये भी रिसेट का ही है, इसका यूज अधिकतर नहीं होता, ये सिर्फ रिसेट करने के लिए होता है।